इसके अंदर मोबाइल रख दिया गया है। ये अपना चल रहा है, पहले 25% हुआ, फिर 50% हुआ, अब 75% वाला ब्लिंक कर रहा है, फिर 100% वाला ब्लिंक करेगा। कितनों से बात करोगे यार, हैं? कितनों से बात करोगे? ये देखो लगा हुआ है, नाम क्या, नाम पढ़ के बता दें। अरे पागल होगा, घर के आए सब यार, घर से मैसेज पे कौन बात करे, इतना ना करो यार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। हम अभी जा रहे हैं थोड़ा काम से। आज अपने अमर सिंह की भाई की दुकान पे कॉफी का आनंद लेते हुए, गरम पाउडर वगैरह डालोगे, बता रहे हैं बहुत ही फेमस कॉफी बनाते हैं, वर्ल्ड लेवल पर बहुत जल्दी जाने वाले हैं। लेकिन कॉफी आप बहुत गर्म बनाते हैं, समस्या ये है, ठंडी कॉफी नहीं बनाते हैं। बता रहे हैं तुम देखा रहे हो, ये अपनी कहानी बताते हुए, अपने प्यार मोहब्बत की कहानी बताते हुए कि आप कहीं 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 गए थे, कहीं कहाँ गए थे, कहाँ पे लड़की देखी थी? बादशाह नगर में। भौजी ढाबा बताओ। भौजी ढाबा होता, भौजी ढाबा नहीं। जौन भालो ढाबा नहीं मार पे गटाए। रुको हटाओ, क्या मारो बस ये बताओ। ऑफिस ही कहता था ना, यहां मारो, यहां मारो, यहां मारो। अगर पिट गए तो मतलब जिसको बताना पड़ेगा वो नहीं पिटना ना, वो नहीं पिटना, और बाकी कोई पिट। भाई ये होता है खिलाड़ी यार, कंचे में तो खिलाड़ी हमने ऐसा देखा नहीं, सटीक निशाना। ओ नो भैया, चेहरा देखिए सबका, शॉकिंग क्या चेहरा है भैया। अरे अपना फिर से आ गया हूँ घर, और घर आने के बाद सबसे पहले छुपा हुआ एक मनुष्य मिलता है जो हर जगह छुपा रहता है और आखिर अपना चेहरा नहीं दिखा रहा। क्या इसका चेहरा है ही नहीं? क्या तुम्हारा चेहरा नहीं है? क्या तुम कौन हो? हैं? भूत हो? भूत वॉच कब से पहनने लगा? वॉच पहनी है तुमने? भूत? अरे ये तो तुल्ली है। अरे मोबाइल चलाओ, सीधे खड़े हो, बैठो तो सीधे बैठो, सीधे बैठो। सुबह तुमने तुमने सुबह से क्या किया भाई? खाना खाया है। सिर्फ खाना खाया? कितना खाना खाया है? गलत रास्ता ले आए हो, ये रास्ता पानी भरा है। रास्ता हम लोग इस तरफ से आ गए, ये रास्ता, और रास्ता वो वहां से है, वहां पे पर मार्केट में आया हूँ, वो वहां पे, वो देखो वहां पे ललित वो खड़ा जा रहा है, चप्पल चलती गाड़ी से चप्पल गिरा दिया। ऐसा कौन करता है भैया, चप्पल ही गिरा दिए हैं? कहे गिर गया, कैसे गिर गया? हाँ पैर कमजोर है, हमको लग रहा कमजोर है, पैर कमजोर नहीं ना आपका, पैर जो है ना इस पे लग गया। अच्छा चप्पल गिर गया, चप्पल गिरा दिया। यार दो दिन से एक ही काम के लिए आ रहा हूँ, वो वहाँ पे ऊपर वो दुकान है माइक्रो शील्ड की, वहाँ पे वो ठीक है, वो ग्लास लगाता है, लिक्विड ग्लास, ऐसा ग्लास आपने नहीं देखा हो, मैं आप लोगों को भी दिखाना चाह रहा था। यहाँ पर कपड़े बदल रहा है अच्छे से, यहाँ पे बीच ऑन द रोड कपड़े बदलते रहता है, टी शर्ट है, कपड़े बदल नहीं दिख रहा तुम्हारा, परेशान ना हो। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि वो लिक्विड ग्लास है, मैं उसका वो देखना चाहता हूँ कि लिक्विड ग्लास कैसा होता है, लेकिन अभी तो शॉप पे बंद, शॉप बंद ही है, तो अभी पुलिस वाले देखो पीछे जाते हुए, वो देखो ऊपर से वो देखो, तो अभी काफ़ी गौर से देखते हैं जब ब्लॉगिंग वगैरह करो। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि लिक्विड ग्लास की दुकान है बंद, अब मुझे क्या करना है? अब उनको नंबर तो मिलाओ, इनका नंबर मिलाओ, 9782-6061 ये वाला नंबर मिलाओ, और इनसे पूछो कि भैया लिक्विड ग्लास, मैंने देखा नहीं एक्सपीरियंस, बहुत लोगों से एक्सपीरियंस लिया कि लिक्विड ग्लास पूरे मोबाइल पे ग्लास लिक्विड टाइप का डालते हैं और पूरा ग्लास एकदम आपके हिसाब से ग्लास उसको बनाएंगे। 150 का ग्लास है, लेकिन बहुत ही बहुत अच्छा ग्लास है, तो मैं देखना चाहता हूँ नॉर्मल ग्लासेस जो होते हैं मोबाइल ग्लासेस, गोरिल्ला ग्लास, इनसे अलग है, तो वो देखना चाहता हूँ अगर कैसा है। इसका फ़ोन का ग्लास भी टूट गया, लगवाने के लिए 5-6 किलोमीटर दूर दो तीन दिन से आ रहा है, लेकिन मिल ही नहीं पा रहा। चलो आज भी दुकान बंद है, फ़ोन करके पूछ लेता हूँ आखिर प्रॉब्लम क्या है। स्क्रीन ने तोड़ डाले, स्क्रीन टूटा है इसका।
स्क्रीन ही टूट गया। चलो इसके ऊपर लगा दो स्क्रीन। नहीं मोबाइल आईपीएल देख रहे हैं नीचे उसमें उसमें। अरे ये कल पटक दिए यार, ये वाली चेन खोलो उधर से इधर से। अरे देखो तो यार आंख खोल के देखो। ये मोबाइल बच जाता अगर आज चेन नहीं नहीं आती तो। अच्छा आज की परसों परसों वाले जिसमें जाधव मर गया साला। अरे परसों वाले हमरे तो इतनी गुस्सा लगी कि टीवी फोड़ डाली। जाधव साला हरा दिया। जाधव को भैया तुम्हारे पास जडेजा जैसा खिलाड़ी है, तुम जाधव को पहले उतारने कौन से आवश्यक था? साधु ठाकुर नहीं था यार। अरे चलो उतार भी दिया लेकिन वो साला देखो खेल कैसे रहा। यही है क्या ग्लास इनका साफ कर दो अच्छे से। ज्यादा लिक्विड डालने वाला भी नहीं। स्क्रीन बहुत ज्यादा टूटी है, संभाल के चलाएं वरना बिल्कुल चली जाएगी। अभी कितने महीने भर का फोन हुआ, महीने भर में तीसरा फोन तोड़ दिया ये। सैमसंग S5 Pro, इन्फिनिक्स S5 Pro, उसके बाद ये सैमसंग M11 और कल एक और M11 है। हाँ ये कितने का मिला था? ये 13,000 कुछ का है, 13,500 का, 13,000 का 48 और 16,500 तीन है। एक और स्प्रे मार दो। यही है क्या ग्लास? नहीं ये स्प्रे लिक्विड। हम कल भी आए थे वो वहाँ पे शॉप थी ना वो आपके ऊपर तो हम देखे बंद थी। ये हम लोग कंपनी नहीं खुली आप लोग की ना। एक और यार ऐसे ही फोन चला गया, अभी IPL में एक चला गया है, दूसरा लिया था। ठीक है चलो, उस दिन तो हम भी सोच रहे चेन्नई ही जीतेगी। हाँ यार वो शेन वाटसन रेड्डू खेल रहा था, बिगड़ता 70 के आसपास रन चाहिए था। इसके अंदर मोबाइल रख दिया गया है, ये अपना चल रहा है। पहले 25% हुआ, फिर 50% हुआ, अब 75% वाला ब्लिंक कर रहा है, फिर 100% वाला ब्लिंक करेगा, फिर इसके बाद ये हमको लग रहा है कंप्लीटेड। ये देखो भाई अब 100% पे ब्लिंक हो चुका है, ब्लिंक होने लगा। यहाँ पे ये इस यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा लाइट से ज़्यादा वजह, लेकिन यहाँ से यूवी लाइट तो आप जानते होंगे आरओ के उसमें लगी होती है, दुनिया की सबसे डेंजर लाइट होती है। मैंने एक बार हल्के से 5 मिनट देख ली थी यूवी लाइट, मेरी आंखों कम से कम 15-20 मिनट तक आंख के अंदर आके रोशनी नहीं आई थी। एक सेकंड बस हो गया है, क्लीन करना है भाई। हो गया ना, ग्लास लगा इसमें दिखेगा नहीं हमको लग रहा। फोन यहाँ पर शेरू के हाथों में कैसा लग रहा है फोन? ठीक है यार, मुझे लग रहा है कि क्वालिटी वाला अब है। क्वालिटी वाला है। और पहले कैसा लगता था? पहले एकदम बकवास। बकवास चाइना कोरियन है, कोरियन कोई इंडियन कंपनी नहीं, कोरियन है ये चाइना। सैमसंग कोरियन है। अरे शॉक्ड हो गया, कोरियन है। इंडिया की सिर्फ दो ही तीन है, एक लावा वो है, नोकिया भी नहीं है, ओनिडा माइक्रोमैक्स के अलावा क्या फिनलैंड की है? हाँ नोकिया नहीं है, सही बताया। अच्छा वो दूसरा हमारा फोन था इन्फिनिक्स इंडियन है। इन्फिनिक्स इंडियन है, इन्फिनिक्स इंडियन था। हाँ मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। लेकिन इन्फिनिक्स बढ़िया फोन, सबसे बेस्ट फोन इन्फिनिक्स की, कोई बात कोई कंपेयर नहीं। अब मेरे हाथ में आ चुका है फोन, फोन काफ़ी स्मूथ, ये स्मूथ काफ़ी हाथ स्लिप हो रहा है, स्मूथ है अभी ये, ऐसा स्मूथ रहेगा ना अभी कुछ दिन तक, स्मूथ काफ़ी बढ़िया चीज़ है। कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ बैठते हैं यहीं ऑफिस ऊपर ही। नहीं नहीं भाई बस एक सौ 85 रन का टारगेट और आराम से लग रहा चेज हो जाएगा, खाता हुआ बता से काफी स्वादिष्ट बताते हैं। बाबू पानी ले पापा के लिए।
एक बोतल ले आओ। बाबू पानी ले आ बेटा। पर फिर से प्रिडिक्शन हो गई है गलत, क्योंकि प्रिडिक्शन एक बार फिर से मैंने गलत बता दी। इतनी प्रिडिक्शन अगर मैंने गलत बता दी, शायद अपने देश में कोई अगर कोशिश नॉर्मल इंसान से पूछा जाए वो भी गलत नहीं बताएगा जितनी मैं गलत बता चुका हूँ। अभी मैच का ये हाल है, ये देखो ये हालात है मैच के। मैच तो खत्म हो चुका पूरी तरीके से, ये इसमें से आवाज आ रही स्पीकर से, ये कह चुकी क्या ऑल आउट हो जाए। हम तो कह रहे हैं सही है भैया, राजस्थान इतनी कूड़ा क्रिकेट टीम, 185 सरजा जैसे ग्राउंड पे, जैसे 50 मीटर बाउंड्री हो वहाँ पे आप नहीं बना पा रहे हो, तो क्या आप कुत्ते की जैसे हो यार। फोन आ रहा है, ये देखो अश्विन ने खेल दिखाया, रबाडा ने खेल दिखाया, लेकिन राजस्थान खेल नहीं दिखा पा रहा। सैमसन नहीं चल पा रहे हैं, ना स्टीवन स्मिथ, ना बटलर, कोई नहीं चल पा रहा, क्योंकि औकात नहीं ना इन लोगों की। कल का प्रेडिक्शन बताने का मन ही नहीं है, कल की प्रेडिक्शन कुछ नहीं बताऊंगा। तो आज के साथ इसी वीडियो को यहीं पे बंद करता हूं, बहुत ही दुख के साथ, क्योंकि लगातार कम से कम 15-16 मैच हो, उसमें से 10-11 प्रेडिक्शन गलत जा चुकी है। तो प्रेडिक्शन वाले बाबा हम नहीं रहे, अब पहले थे एक जमाने में, शुरुआत की 3-4 मैच लगातार सही बता दिए, तो सब समझने लगे कि हम प्रेडिक्शन बड़ा अच्छा बताते हैं, लेकिन उसके बाद गलत बताना शुरू किए तो भाई सबकी नैया डुबा ले बैठे। तो दोस्तों आज के साथ इसी वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय।